हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मलाई कोफ्ता वाइट ग्रेवी में। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 400 ग्राम पनीर को ग्रेट कर लिया। अब हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। मलाई कोफ्ते के लिए सबसे पहले हमें बॉल्स बनानी है, तो इसमें हम मसाला डालेंगे। धनिया पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून, सॉल्ट डालेंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला डालेंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 3 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे इसके अंदर, इसको बाइंड करने के लिए, ताकि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। हम जो ये बना रहे हैं, ये हम वाइट ग्रेवी में बनाएंगे मलाई कोफ्ता। और इसमें हम कुछ कोई भी वेजिटेबल, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल या कुछ भी यूज नहीं करने वाले। ना ही इसमें अनियन डलेगा, ना ही इसमें टमाटर डलेगा, अदरक, गार्लिक, हरी मिर्च, कुछ भी हम ऐसा कुछ भी यूज नहीं करेंगे हम इसमें। तो इसलिए हमें इसको ऐसे ही बनाएंगे। आप हाथ से भी क्रम्बल कर सकते हैं पनीर को, बट अगर आप ये घियाकस करते हैं, अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और इसका डो भी अच्छे से बन जाता है। ये हमारा डो तैयार हो गया है। ये हमने काजू लिए हैं। काजू को हम पीसीस, ऐसे ही पीसीस में तोड़ लेंगे, क्योंकि ये हम कोफ्तों में डालने वाले हैं। इसको पीसीस कर लेंगे इसके हाथ से ऐसे तोड़ के। ये हमने किशमिश भी लिए, ये हम बॉल्स में डालेंगे। काजू और किशमिश जो हम बॉल बनाएंगे इसकी, उसमें डालेंगे। और साथ में हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें हम रोल करेंगे उसको, बॉल्स को। हम बनाना स्टार्ट करते हैं। काजू डालेंगे, ये आपकी चॉइस, आप डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो आप ऐसे भी बॉल्स बना सकते हैं। अच्छे से इसको प्लेन कर लेंगे। और अब इसको हम रोल करेंगे इसके अंदर। अच्छे से रोल कर लिया है इसको। अब हम ये इसको प्लेट में रखेंगे। ऐसे ही हम सब बॉल बनाएंगे, दूसरी बॉल भी बनाएंगे हम। आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। मैं डाल नहीं रही हूँ, आपको डालना हो, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं इसके अंदर, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हमारी बॉल बन गई। अब इसको हम इसमें रोल करेंगे, अच्छे से ऐसे हिला देंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो कॉर्नफ्लोर है वो निकल जाए, और ये हमारी बॉल तैयार हो गई। ऐसे हम सारे बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स हमने बना ली हैं सारी, हमारा तेल अच्छा गर्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे बॉल्स को। तेज तेल में ही डालेंगे हम बॉल्स को, अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को हम हिलाते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे ब्राउन होने तक। बॉल्स फ्राई हो गई हैं, अब हम इसको निकाल लेंगे। सारी बॉल्स ही हम ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये बॉल्स हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे। ये मैंने काजू लिए हैं, 1/4 कप काजू है, और 1/4 कप मेलन सीड्स हैं जो खरबूजे के बीज होते हैं वो। उन दोनों को मैंने आधा घंटा गर्म दूध में भिगो दिया, अभी बिल्कुल नरम हो गए। अब इसकी हम पीस के इसको, इसकी ग्रेवी बना लेंगे। ये ग्रेवी हमने पीस ली है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। ये मैंने साबुत मसाले लिए हैं,
एक बड़ी इलायची, दो हरी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा और चार लौंग और एक तेज पत्ता। अब हमारा पैन गरम हो रहा है। पैन में हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर डालेंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे ऑयल 1 टीस्पून, क्योंकि बटर नहीं, अकेले डालेंगे तो बटर जल जाता है जल्दी से। हम इसके साथ ही हमने ऑयल डाल दिया। अब इसमें हम डालेंगे ये मसाले, तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, हरी इलायची और लौंग। इसको भून लेंगे हम। मसाले भुन गए हमारे। अब हम इसमें जो हमने ग्रेवी बनाई थी, काजू का पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डालेंगे। इसको इसमें डाल देंगे सारे पेस्ट को। अब हम इस ग्रेवी को होने देंगे। हम इसको हिलाते रहेंगे। ये हमारी ग्रेवी हो रही है, अब सिक रही है। साथ साथ ही हिलाते रहेंगे, क्योंकि ये नीचे चिपकेगी नहीं। तो गैस हमने लो मीडियम ही रखनी है, उसी पे हम इसको सेकेंगे। दो मिनट हो गए हमको इसको सेकते हुए, गाढ़ी हो गई है ग्रेवी। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून नमक, काली मिर्च 1/4 टीस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे हम। लो पे ही करेंगे हम। अब हमने गैस बिल्कुल लो कर दी है, क्योंकि ये चिपकनी शुरू हो गई है, तो हम गैस लो पे ही इसको करेंगे। अब मसालों को हम भून लेंगे। चीनी डालेंगे 1/4 टीस्पून, क्योंकि काजू के पेस्ट को बैलेंस करने के लिए चीनी डालनी बहुत जरूरी है। इससे मीठी नहीं होगी सब्जी, बट इसका टेस्ट और भी एनहेंस हो जाएगा। हमारे मसाले भुन गए हैं। अब हमने ये दही लिया, हमने 1/2 कप दही लिया बीट करा हुआ। यह हम दही डालेंगे इसके अंदर। अब हम इसको हिलाते रहेंगे, क्योंकि दही डाला है, दही अगर आप हिलाएंगे नहीं तो फिर ये फट जाएगा। आप चाहें तो कोई भी मसाला कम ज्यादा कर सकते हैं, बट इसमें हम लाल मिर्ची नहीं डाल रहे, क्योंकि लाल मिर्ची डालने से इसका रंग बदल जाएगा। और हमें व्हाइट ग्रेवी चाहिए, क्योंकि हम व्हाइट ग्रेवी वाली बना रहे हैं, तो हम इसमें लाल मिर्ची का यूज नहीं कर रहे। अब हमें गैस थोड़ी सी मीडियम हाई कर देंगे और इसको होने देंगे ग्रेवी को। जब तक ये तब तक भुनेंगे जब तक कि ये घी नहीं छोड़ दे। जब ये घी छोड़ देगी तब हमारी ग्रेवी समझो हो गई। तब तक हम इसको भुनेंगे अच्छे से, हिलाते रहेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला तो दही भी अपना ऑयल छोड़ेगा, तो इसलिए ये अपना घी छोड़ेगी ग्रेवी। अब ग्रेवी ने अपना घी छोड़ दिया है, साइडों से सब घी छोड़ दिया और पूरी अच्छे से ग्रेवी हमारी हो गई है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी सेट करने के लिए हम इसमें पानी डालेंगे। 1 कप के करीब हमने पानी डाला है इसमें और इसको अब उबालेंगे थोड़ा। अब ये जो बबल्स देख रहे हैं ये छींटे मारेगी, तो थोड़ा ध्यान से हमने दूर होके ही पकानी है इसको। चाहे तो आप ढक भी सकते हैं इसको, थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक सकते हैं। जैसी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी आप रख के इसको बंद कर सकते हैं। अभी थोड़ी गाढ़ी चाहिए हमको, तो मलाई कोफ्ते में थोड़ी गाढ़ी होती है, तो हम इसको गाढ़ी कर लेंगे। अब इसको ये हो रही है हमारी ग्रेवी। ये 1 टेबलस्पून हमने खोया लिया है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, आप नहीं डालना चाहे तो ना भी डालें। ये भी हम इसमें डालेंगे।
साथ के साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मलाई है, मलाई डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। आप मलाई की जगह क्रीम भी डाल सकते हैं, आप मलाई नहीं डालना चाहें तो क्रीम डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं आप इसमें, वो भी आप इसी स्टेज पे डालिए। जैसे हम मलाई डाल रहे हैं आप क्रीम डाल दीजिए तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, रिचनेस आ जाएगी इसमें ग्रेवी में। साथ ही हम गरम मसाला भी डाल रहे हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून। ये जो हम आज सब्जी बना रहे हैं ये जैन सब्जी है, वेजिटेबल है, जैन जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं खाते उनके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ये, कि आप कोई भी सब्जी ना खाते हुए भी आप बहुत अच्छी रिच सब्जी बना सकते हैं। हमारी ग्रेवी हो गई है, ऐसी कंसिस्टेंसी रखी है हमने, आप चाहे तो पतली भी रख सकते हैं और कड़ी भी रख सकते हैं, बट ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। हमारा मलाई कोफ्ता विद व्हाइट ग्रेवी तैयार है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी हम नया कंटेंट डालें तो आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं कई अपडेट्स डालती हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू।